हेलो नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सुरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम सूजी और दही से कैसे नाश्ता बनाया जाता है उसकी विधि बताते हैं। तो सूजी और दही का नाश्ता बनाने के लिए ये मैंने 1 पाव सूजी ली है और ये मैंने 1 कटोरी दही लिया है और ये मैंने कुछ हरी सब्जियां ली है। तो सब्जियों में मैंने शिमला मिर्ची ली है और ये मैंने गाजर ली है बिल्कुल बारीक कटी हुई और ये धनिया है कटा हुआ हरा, ये प्याज है, ये हरी मिर्च है। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने बाउल लिया है। सबसे पहले जो मैंने बाउल लिया है उसमें हम सूजी डालते हैं और सूजी आप पतली मोटी कोई सी भी ले सकते हैं। तो मैंने बाउल में सूजी डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा दही करके और ये नाश्ता हम बिना ऑयल का बनाने वाले हैं। एक साथ में हमें दही को मिक्स नहीं करना है। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और जो मैंने पूरा कटोरी का दही लिया था मैंने पूरा दही डाल दिया है इसमें। अगर आपको और भी इसमें ज़रूरत दही की पड़ने वाली है तो आप और भी इसमें दही ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास में दही नहीं है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप दही डालिए क्योंकि दही से जो फ्लेवर है वो दही का अच्छा आएगा। तो सूजी में अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा दही और हमें इस टाइप का ही इसको पेस्ट को रखना है। इसको हमें ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं रखना है। अब इसमें हम कुछ ये जो मैंने सब्जियाँ ली थी हम सब्जियाँ भी डाल देते हैं। मैंने प्याज लिया था प्याज भी डालते हैं, हरी मिर्च भी डालते हैं और जो मैंने शिमला मिर्च ली थी वो भी डालते हैं। गाजर भी डाल देते हैं, जो मैंने धनिया लिया था वो भी डाल देते हैं इसमें और इनको भी हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर कल किसी नहीं अच्छे से सेट हो पा रहा है तो हम हाथ से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, हाथ से ज़्यादा ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा क्योंकि इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर देते हैं। ये तो हमारा अच्छे से मिक्स हो ही चुका है। तो सबसे पहले ये जो मैंने नमक लिया है इसमें नमक डालते हैं, नमक अपना स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। ये जो छोटी वाली राई होती है वो ले यानी आधी चम्मच ये भी डालते हैं, आधी से भी कम चम्मच जो दरदरी लाल मिर्च होती है वो मैंने लिया है। एक चुटकी अजवाइन लिए मैंने। तो पेस्ट को हमें अच्छे तरीके से अब फिर से मिक्स करना है और ये चमची से थोड़ा सा टाइट है पेस्ट तो चमची से नहीं हो पाता है तो हम हाथ से कर सकते हैं इसको बिल्कुल आसानी से। हाथ हमारे बिल्कुल साफ होने चाहिए। हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारा डो किस टाइप का होना चाहिए। हमारा डो इस टाइप का होना चाहिए, इस तरीके से इसके लड्डू भी बन सके, इस तरीके का हमें डो चाहिए। इससे पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारे नाश्ते की जो नाश्ता बनेगा वो अच्छे से नहीं बन पाएगा अगर थोड़ा सा भी हमारा पेस्ट पतला हो जाएगा तो। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हमें पेस्ट को 10 मिनट के लिए रखना है, तब तक हम कढ़ाई लेते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है और इसको हमें ढक के रखना है ताकि अच्छे से उबाल नहीं आ जाए। तो पानी हमारा अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इस गैस को इस टाइम थोड़ा सा कम करना है, पानी को इसी तरीके से उबाल आने देते हैं। ये मैंने चलनी ली है, चलनी पे हम हाथों की सहायता से थोड़ा सा घी लगाएंगे इस तरीके से। और जो मैंने ये सूजी का बैटर लिया था इसको 10 मिनट हो चुकी हैं, इसको 10 मिनट के लिए मैंने रखा था तो अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है। इसको हमें फिर से मिक्स कर लेना है।
मिक्स हो चुकी है हमारी। अब हम नाश्ता बनाने स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस टाइप की इसमें इस तरीके का लेना है हमें गोल शेप में। जितना आपको बड़ा या छोटा साइज में बनाना हो उस टाइप का आप उतना पेस्ट ले सकते हैं। अब इसको हमें इस तरीके से करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी पतला रख लेंगे तो जो हमारा ये पेस्ट बनने वाला है वो अच्छा नहीं बन पाएगा। इस तरीके से हमें रखना है। इस तरीके से हमें रखना है इसको। और प्लीज अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज कर लीजिए, जो सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। और गर्मियों के लिए ये नाश्ता बहुत ज्यादा टेस्टी है क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो आप इसको गर्मियों में, सर्दियों में, कभी भी बरसात में कभी भी बना सकते हो। और ये बिल्कुल बिना ऑयल का नाश्ता बनेगा। इसमें मैंने एनो या मीठा सोडे का भी यूज नहीं किया है। क्योंकि इस नाश्ते में जरूरत भी नहीं है हमें एनो या मीठा सोडे डालने की। इसका कड़क इस टाइप का ही रखना है। ज्यादा अगर आप मोटा कर देंगे वो भी ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तभी मीडियम साइज का ही रखना है। और हाथों पे थोड़ा पेस्ट हमारा चिपक रहा हो तो आप पानी लगा सकते हैं। पानी से हमारा जो हाथों पे बिल्कुल पेस्ट नहीं चिपकेगा, पर हमें इस टाइप का ही चाहिए, इससे पतला नहीं चाहिए हमें पेस्ट। तो मैंने इन पे अच्छे से डाल दिया है, रख दिया है अच्छे से सेट करके। अब जो मैंने पानी उस पे रखेंगे और इसको हमें 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन लगा के अच्छे से बॉईल करना है। इसको हमें भाप में पकाना है अच्छे से 6 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि भाप में बनने वाला नाश्ता है। तो ये हमारा नाश्ता भाप में अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसको हमें प्लेट को निकालना है। थोड़ी गर्म है तो हमें कपड़े की मदद से निकालना है। और इसको हमें थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में ही निकालना है, क्योंकि ये नीचे से आराम से निकल जाएगा, चिपकेगा नहीं। तो नाश्ता हमारा ठंडा हो चुका है। अब हमें इस तरीके से इसको निकालना है। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल रहा है। इस तरीके से भी पीछे की साइड से भी कितने अच्छे से ये भाप में सिक चुका है। जो बाकी का बचा था उसको भी हम इसी तरीके से बना के रखेंगे। ये नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। इसको आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं और हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया जाता है, बिना ऑयल का नाश्ता है। तो हमारी सिंपल तरीके से नाश्ता बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। तो आज के लिए इतना है।